आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि पीएचपी के थ्रू हम लोग पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी पीडीएफ रिपोर्टिंग अगर करना हो तो कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें पीडीएफ कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई फाइल नहीं है पीएचपी में, बट हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी फाइल यूज़ करते हैं, उसका नाम है एफ पीडीएफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और इसको सर्च करना है सबसे पहले। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप जाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर जाइएगा डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाने के बाद सबसे पहला काम करना है कि हमें यहाँ से एक फाइल डाउनलोड करनी है जिप फॉर्मेट में, और इस फाइल को जो फॉर्मेट को हम डाउनलोड जब करेंगे तो डाउनलोड करने पे ये हमारा सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब करना ये है कि इस फोल्डर में जाना है, ये हमारा डाउनलोड सेक्शन था, मैंने यहाँ से क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। इसे क्या करना है, यहाँ से उठा लेते हैं और हम सीधे जाएंगे अपने वर्टिगो सर्वर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वर्टिगो सर्वर ऑन कर रखा है। चलिए भाई यहाँ पर जाते हैं, ये है वर्टिगो सर्वर, यहाँ जाएंगे डब्ल्यू डब्ल्यू फोल्डर में, और यहाँ जाने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा, फोल्डर का नाम रख देते हैं पीएचपी, सॉरी यहाँ पे आते हैं और इसका नाम रख देते हैं, ये था, और इसका नाम रख देते हैं पीएचपी पीडीएफ अंडरस्कोर पीडीएफ। ठीक है, पीएचपी अंडरस्कोर पीडीएफ। अब इसके अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो हम लेके आए थे फोल्डर, मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ, ये मैंने क्या किया स्ट्रेट कर लिया। स्ट्रेट करने के बाद सारी सारी फाइल यहाँ पे आ गई, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, मैं जिप फोल्डर को हटा देता हूँ। अब करना ये है कि ये फाइल को मैं थोड़ा सा फोल्डर को रिनेम कर देता हूँ और नाम रख देता हूँ फोल्डर। मुझे इस फोल्डर के अंदर क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है एफ पी डी एफ डॉट, बहुत सारी फाइल है बस मुझे ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत है, इसका नाम है एफ पी डी एफ डॉट पी एच पी, यानी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक हमारा काम हो गया, अब सेटअप हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर हम आएंगे सीधे, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी नहीं बचेगी, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं इसको डायनेमिक भी बनाऊंगा, तो पहले मैं स्टैटिक से आपको पहले समझा दूंगा कि इसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इसके डायनेमिक में, यानी डेटाबेस से कैसे ला करके पीडीएफ जनरेट करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आइए जरा इस पे। अब मैंने इसका नाम रख दिया पीडीएफ डॉट पीएचपी और फाइल का नाम ही रख देता हूँ गेट पीडीएफ डॉट पीएचपी। चलिए, गेट पीडीएफ डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल बनाया और मैं इसको क्या करता हूँ, वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ये कर लिया। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद मैं सीधा यहाँ आ गया, वीएस कोड में ये फाइल, इस पे आने के बाद कोडिंग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ आने के बाद क्वेश्चन मार्क पीएचपी ये हमने ओपन किया, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फाइल को गेट करेंगे, और रिक्वायर करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, रिक्वायर लगाएंगे या रिक्वायर वंस लगाएंगे, जिसमें ट्रस्टेड कर दिया, रिक्वायर के जाकर जाएंगे और फाइल का नाम रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे एफ पी डी एफ के अंदर एफ पी डी एफ डॉट पी एच पी नाम की फाइल। इसे मुझे करना है, ये एफ पी डी एफ क्या है, फोल्डर का नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ डॉट स्लैश एफ पी डी एफ के अंदर एफ पी डी एफ डॉट पी एच पी नाम की फाइल। चलिए, इसका एक बार लोकेशन देख लेते हैं, ये देखिए एफ पी डी एफ फोल्डर है और इसके अंदर मुझे फाइल की ज़रूरत है, इस वाली फाइल। काम करते हैं, मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाता हूँ, ये फाइल मुझे इसकी ज़रूरत है, यही है पी डी एफ जनरेट करने का पूरा कोड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस फाइल में मैंने इसको क्या करते हैं, रिक्वायर कर लिया। अब रिक्वायर इंक्लूड रिक्वायर वंस इंक्लूड वंस, आपको पता है ये चार मेथड होते हैं पीएचपी में जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को लिंक करने का काम करते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज वगैरह में हैज़ इंक्लूड होता है वैसे ही। ठीक है, यहाँ स्टार्ट कर दें। अब क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, हमें पीडीएफ का यहाँ पर एक मैंने पीडीएफ बनाया, पीडीएफ नाम पर वेरिएबल बनाया और यहाँ पर एक न्यू कंस्ट्रक्टर बनाया एफ पी डी एफ, इसको कैपिटल में रखना है क्योंकि ये सारा जो है, ये जो क्लास है वो इस पीडीएफ डॉट पीएचपी के अंदर डिफाइन है, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट किस में आ गया, पीडीएफ के अंदर। अब इसी पीडीएफ के थ्रू सारा काम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर पीडीएफ के अंदर हम ऐड करेंगे पेज, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐड पेज नाम का फंक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐड पेज नाम का फंक्शन क्या करता है, तो ये तो पता चल गया कि एफ पी डी एफ क्या है, ऑब्जेक्ट बना रहा है पीडीएफ के अंदर। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसके अंदर एक मेथड होगा जिसका नाम है ऐड पेज, ऐड पेज बना बनाया मेथड है, इसलिए कैपिटल स्मॉल ध्यान रखिएगा, ए और पी यहाँ पर कैपिटल, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पहले
नोटपैड पे ले चलते हैं और यहाँ से मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि एक्चुअली में काम कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऐड पेज नाम का फंक्शन है, ये क्या क्या आर्गुमेंट लेता है वो देखना है। तो ये जो आर्गुमेंट लेता है वो तीन आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, कौन कौन से आर्गुमेंट लेता है? सबसे पहले लेता है ओरिएंटेशन, यानी जो पेज होगा वो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा ये। उसके बाद पूछता है पेज की साइज, पेज साइज मतलब है यहाँ पर कि A4 साइज होगा, A3 साइज होगा, लेटर साइज होगा, क्या होगा। ठीक है, उसके बाद पूछता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है, या ओरिएंटेशन हो चुका है, रोटेशन, रोटेशन का मतलब है कि पेज कैसा दिखना चाहिए। बट क्वेश्चन ये बनता है कि रोटेशन कैसा होगा, तो रोटेशन ध्यान रखना है कि जो रोटेशन होगा वो हमेशा 90 के मल्टीपल होगा, 90 डिग्री के मल्टीपल, यानी कि 90 डिग्री दे सकते हैं, 180 दे सकते हैं, 270 दे सकते हैं, 360 दे सकते हैं, 45 वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, तो याद रखना है कि 90 के मल्टीपल होना चाहिए और पेज साइज जो मैंने जो बताया। और ओरिएंटेशन के लिए आपको या तो पी लिख दीजिए या एल लिख दीजिए। पी का मतलब पोर्ट्रेट और एल का मतलब होगा लैंडस्केप। ठीक है, तो ओरिएंटेशन में पी होगा या फिर एल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब क्या करना है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर दो आर्गुमेंट, तीन आर्गुमेंट हैं, हम चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अपने ऊपर है। बट हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसको पी बना दिया। पी कैपिटल स्मॉल ध्यान रखना है। साइज मैंने बोला A4 साइज का हो, और फिर हमने ओरिएंटेशन बोला, ओरिएंटेशन मैंने कुछ नहीं दिया। चलिए, सारे के सारे ऑप्शनल हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको लगाना चाहते हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये पेज बनेगा तो पेज पर फॉन्ट साइज कैसा होगा, यानी कौन सा फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, उसका नाम है सेट फॉन्ट। ये इस क्लास के अंदर बने बनाए मैथड्स हैं, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पर हम फैमिली देते हैं। फैमिली मतलब कि एरियल होगा कैसा होगा, एरियल होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा, कैसा होगा। दूसरा फिक्स है, ये भी ध्यान रखना है। स्टाइल यानी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होगा। और यहाँ पर हम साइज देते हैं वैल्यू में पिक्सल के रूप में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हुआ, पहले तो हमने पेज ऐड किया, उसके बाद कहाँ जाएंगे, सेट फॉन्ट पे। तो हम आते हैं डॉलर PDF और यहाँ से हमने क्या किया, सेट फॉन्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है एरो क्यों लगा रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो हमेशा डॉट की बजाय यहाँ पर एरो ऑपरेटर से एक्सेस किया जाता है। ठीक है, जब रेफरेंस का थ्रू काम करेंगे तो हम डॉट लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करेंगे तो एरो लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं सेट फंक्शन, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान रखना है सारे हम फॉन्ट एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा टाइम्स, मैं अभी लिख दूंगा कौन कौन से। तो मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ फैमिली में, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। फैमिली में आप टाइम्स लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप एरियल यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोरियर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं, तीन चार फिक्स हैं। ठीक है, स्टाइल की बात करें, स्टाइल में तो आपको मिलेगा क्या, बोल्ड बी लगाना है, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, अगर नहीं देंगे तो नॉर्मल होगा। साइज के लिए आप पता ही चला, साइज में आपको वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, साइज में आप 10, 20, 30 जो भी आप देंगे वो पिक्सल या mm के रूप में रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, आपको फॉन्ट साइज बताया, ये स्टाइल बताया, इन सबको नोट जरूर करिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए ये मैं इनको क्या करता हूँ, इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। आइए ज़रा साइज में, अब बात आती है कि अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैंने टाइम्स लिखा, फिर मैंने बोला साइज, स्टाइल, तो मैंने क्या कर दिया, पहले बोल्ड कर दिया कि बोल्ड होना चाहिए, और साइज में मैंने दे दिया 20 पिक्सल, यानी 20 उसकी साइज होनी चाहिए। चलिए भाई PDF में फिर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब फॉन्ट हमारा सेट हो गया, अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बाद हम शुरू करेंगे सेल बनाएंगे। अब इसके अंदर आता है सेल, तो जो सेल फंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल फंक्शन क्या करता है, सेल फंक्शन सबसे पहला जो लेता है वो विड्थ लेता है, फिर हाइट लेता है, उसके बाद लेता है टेक्स्ट, वो जो आपको टेक्स्ट प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराने के लिए जो वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, फिर लेता है आपका बॉर्डर, यानी चारों तरफ बॉर्डर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये पूछता है कि जो नेक्स्ट आना चाहिए वो न्यू लाइन होनी चाहिए कि नहीं, यानी न्यू लाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहली सेल बनी इसके बाद जो दूसरी सेल बनेगी उसमें न्यू लाइन होगा कि नहीं होगा ये। उसके बाद पूछता है अलाइनमेंट, कि मतलब ये जो डेटा है कहाँ पर होना चाहिए सेल के, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। और उसके बाद पूछता है आपको इसको फिल करना है कि नहीं करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइट विड्थ तो हम पिक्सल में देंगे, टेक्स्ट मतलब जो डेटा होगा, बॉर्डर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें नोट करिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। बॉर्डर
बॉर्डर की जो वैल्यू होगी वो या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। बाई डिफॉल्ट जीरो होता है, वन का मतलब है बॉर्डर आएगा, जीरो मतलब होगा नहीं आएगा। अगर आप न्यू लाइन की बात करते हैं, न्यू लाइन में, तो न्यू लाइन में हमारे पास आता है 0, 1, 2, तीन वैल्यूज आती हैं। अगर आपने जीरो दिया इसका मतलब उसी के आगे यानी एक सेल के बाद दूसरी सेल बनाएगा, और अगर आपने यानी राइट हैंड साइड में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर आपने वन कर दिया तो ये क्या करेगा, पहला रो बनाने के बाद नीचे आ जाएगा, जस्ट नीचे, यानी बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। और अगर आप टू करेंगे तो जहां तक सेल बनी है उसी के जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाएगा, जैसा पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं। अभी मैं इसको शो करता हूँ प्रोग्राम से, ठीक है। फिल का मतलब है यहाँ पर, अलाइनमेंट का मतलब है, अगर आप अलाइन का यूज़ करते हैं तो अलाइन में हमारे पास या तो लेफ्ट लिखना है, टॉप लिखना है, राइट लिखना है, या लेफ्ट राइट कॉमा सेंटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट लिखेंगे तो लेफ्ट ही होगा, तो ये आप इस तरीके से अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब आती है बात फिल की, तो जो फिल है ये हमारा दो तरीके वैल्यू लेता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपने लिखा ट्रू, ट्रू का मतलब हुआ फिल कर देगा, फिल मतलब बैकग्राउंड फिल करेगा, सेल की फिल करेगा बैकग्राउंड, और अगर फॉल्स करेंगे तो ट्रांसपेरेंट होगा यानी व्हाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन थे। अब आइए जरा सेल की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेल, ध्यान से देखते जाइए सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया, विड्थ दिया, विड्थ मैंने कितना दिया, मैंने दिया 40, हाइट कितना दिया, मैंने कहा 10, यानी 10 हाइट हो। डेटा क्या है, मैंने बोला PDF इन PHP, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सो नोटिस करना है, या इस जगह पर मैं सबसे पहले प्रोग्रामर्स व्यूअर प्रिंट कराता हूँ, प्रोग्रामर्स व्यूअर। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये डेटा जो है ये विड्थ किस सेल बता रहा है, सेल की विड्थ बता रहा है। सबसे पहले इतना देखते हैं, ठीक है। सेल बनने के बाद क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दूसरा वो क्या है, वो है आउटपुट। यानी ये सब कुछ होने के बाद देखिए, पहले मैंने पेज ऐड किया पीडीएफ में, फिर उस पर फॉन्ट सेट किया, उसका सेल बनाया, ठीक है। और ये जो ओरिएंटेशन था, मैं इसको ओरिएंटेशन लिख देता हूँ, ओरिएंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देना है तो पी, या तो देना है एल, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। और पेज साइज की बात करें, पेज साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा A4, A3 हो सकता है, A4 हो सकता है, A5 हो सकता है, पेजेस होते हैं, लेटर हो सकता है, ठीक है, लीगल हो सकता है, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। इनको आप कर करके करके देखिएगा। रोटेशन मैंने आपको बताया कि रोटेशन जो होगा वो किसके मल्टीपल होगा, 90 के मल्टीपल होगा। रोटेशन जो है 90 हो सकता है डिग्री, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, और 360 हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये डिग्री के रूप में है। तो इन सारे फंक्शन को आपको याद करने हैं तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट बचता है, उसका नाम है, जिसके बिना हमारा दिखाई नहीं देगा, पीडीएफ जनरेट नहीं होगा, उसका नाम है आउटपुट। वो कैपिटल है आउटपुट। ये क्या कहता है कि आउटपुट जनरेट कैसे कराना है। तो आउटपुट में आपके दो आर्गुमेंट मेन हैं, ठीक है। पहला, ये जो आउटपुट है उसको कहाँ दिखाना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, यानी ब्राउज़र पे दिखाना है, सेव करना है, डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये बताता है डेस्टिनेशन। और दूसरा बताता है किस नाम से इसको सेव करना है या डाउनलोड करना है, यानी जो भी फाइल पीडीएफ बन रही है उसका नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपने, और दोनों क्या है, ऑप्शनल है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर देखता हूँ, डेस्टिनेशन में जो वैल्यू आती है वो क्या क्या आएगी, या तो आई आएगी, इसको बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, D, F, S, ये टोटल चार वैल्यूज हैं। अब क्वेश्चन बनता है I क्या है, I बाय डिफॉल्ट है, ये ब्राउजर पे शो कराने के काम करता है, ये डायरेक्टली शो करा देगा। अगर आपने D यूज़ किया, यानी I का यूज़ क्या है, शो करने के लिए, शो ऑन ब्राउजर, यानी ये दिखा देगा। अगर आपने D कर दिया, इसका मतलब फोर्सफुली डाउनलोड लोड, और बाय डिफॉल्ट अगर आपने नाम नहीं दिया तो ये बताएगा डॉक डॉट PDF नाम से फाइल को क्या करता है, सेव कर देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो। अब क्वेश्चन ये बनता है, नेम अगर हम देंगे तो जिस नाम से हमने दिया उस नाम सेव कर देगा। अगला आता है F, ये क्या करता है, ये जो है करंट ड्राइव में, करंट लोकेशन कह सकते हैं, लोकेशन में क्या करेगा, सेव कर देगा, करंट लोकेशन में फाइल को सेव करेगा, ठीक है। अगला आता है S, ये क्या करता है, कन्वर्ट डेटा, या कह सकते हैं PDF डेटा
into string format. Format. अगर आपको इस string value चाहिए तो आप इसका use कर सकते हो, और name आपको पता चल गया, name आप दे सकते हैं, ठीक है. तो ये main हमारे attributes थे, इनको जो है आपको बहुत ध्यान से देखना है. ये मैंने आपको सारे लिख दिया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है. तो इसलिए मैं सारी पॉइंट लिख दे रहा हूँ. अब आइए ज़रा, सारी डिटेल में मैंने बात की थी तो यहाँ तक कर दिया. अब आती है बात, मैं डॉलर PDF के थ्रू मैं सीधे आउटपुट जनरेट कर देता हूँ, ठीक है. तो मैंने एरो लगाया, आउटपुट को जनरेट कर दिया बिना कुछ दिए हुए. अब देखना यह है कि इससे होगा क्या, मैं आपको सारा समझाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ. ये 4-5 लाइन से हमारा PDF जनरेट होने वाला है, ठीक है. अब देखना यह है कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे. तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आने के बाद लोकल होस्ट एक्सेस किया, और ये मेरा लोकल होस्ट एक्सेस हुआ. मैंने यहाँ लिखा PHP, ये फंक्शन था. लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी. तो ये देखिए जरा यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक PDF जनरेट हो रहा है, जिसमें लिख के क्या आ रहा है, प्रोग्रामर्स भव लिख के आ रहा है, ठीक है. देख सकते हैं ये आपका PDF जनरेट हुआ. अब आप देख पा रहे होंगे कि PDF जो जनरेट हुआ है, ये जो पेज है ये कैसा है, पोर्ट्रेट मोड है, ठीक है. अब मैं इसको लैंडस्केप करके दिखाता हूँ. मैं अगर यहाँ L लिखता हूँ तो क्या होगा, ये देखिएगा जरा, ये देखिए साइज हमारा, ये देखिए पेज की साइज हमारी बढ़ रही है. ये देखिए पेज बढ़ गया और क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखिएगा कि यहाँ पर पोर्ट्रेट रखना है. अगर मैं A3 रख देता हूँ या A3 रखता हूँ तो क्या होगा, चेक करते हैं जरा. देख सकते हैं साइज यहाँ पर थोड़ी छोटी हो जानी चाहिए, ठीक है. आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं A5 कर दूँ, अच्छा वो तो अच्छा, सॉरी A3 से बढ़ेगा, A5 से हम क्या करें, थोड़ा सा साइज जो है छोटी हो जानी चाहिए. ये देखिए साइज छोटे हुए, क्लियर. तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, लेटर रख सकते हैं, जो भी. तो मैंने इसको स्टैंडर्ड रखा A4 साइज, क्योंकि प्रिंट आउट हमारा जो प्रिंटर निकलता है वो A4 निकलता है. उसके बाद ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया. जरा देखिएगा इससे क्या होने वाला है, मैंने बोला था ओरिएंटेशन है. अब आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामर्स वो यहाँ चला गया 90 डिग्री, कहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ से आ गया. अब आप इस तरीके जितने एंगल चेंज करेंगे, 180 पे नीचे आ जाएगा, 270 पर यहाँ आ जाएगा, 360 पर यहाँ आ जाएगा. तो यानी बाय डिफॉल्ट जब आप देते हैं तो ये 360 ही होता है, इसी वजह से हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर है. अब बात आती है टाइम्स. अब आप देख रहे हैं टाइम्स की वजह से ये जो डेटा है, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, डेटा है ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्लियर. इसका जो फॉर्मेट है ऐसा है. अगर मैं इसी को यहाँ पर एरियल कर देता हूँ या कुरियर कर देता हूँ, कुरियर बोल्ड और 20 डिग्री है, यहाँ पे एक है एरियल भी है. तो देख सकते हैं यहाँ से कई तरीके की वैल्यूज आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप की, तो 3-4 हैं आपको याद रखना, नहीं तो अदरवाइज एरर भी जनरेट करेगा. देख सकते हैं इसका फॉर्मेट जो है चेंज हो गया. तो मुझे लगता है कि हम लोग यही यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है, टाइम्स, और मैंने इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर लिया. तो मैं लिख देता हूँ टाइम्स. अब बोल्ड के साथ साथ मैं साइज को चेंज कर सकता हूँ. ज़रा देखिए ध्यान से, ये आपका फॉर्मेट भी चेंज हो गया, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट चेंज होगा. टाइम्स के साथ मैंने इसको बोल्ड और चाहता हूँ कि इटैलिक भी हो जाए. तो ध्यान से देखो, आई और बी दोनों लगा दीजिए, बोल्ड इटैलिक. अगर आप अंडरलाइन चाहते तो यू भी लगा दीजिए. तो ध्यान से कि मैंने पहले बोल्ड लिखा था, फिर आई लगा दिया, यू लगा दिया, इसका मतलब ये तीनों काम करेगा. तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ध्यान से देखिएगा आपको डेटा जनरेट हो जाएगा. देख सकते हैं कि बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, ठीक. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सेल का यूज़ कैसे करें, सेल का. तो ध्यान देखिए, पहला विड्थ था, हाइट था, टेक्स्ट था. अब इसके बाद हमने क्या बताया था, अभी देख सकते हैं. सेल में आइए जरा, सबसे पहले इसलिए मैंने बोला था कि आपको याद रखना है न्यू लाइन, उसके बाद अलाइन और बॉर्डर. तो बॉर्डर देना है कि नहीं देना है, मैंने कहा था 0 और 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 दे दिया. बॉर्डर 1 देने से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होगा, ये देखिए. अब क्या हुआ, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेटा इतना बड़ा है कि बॉर्डर आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि विड्थ हमारी छोटी है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विड्थ को बढ़ाऊँगा. मैंने कर दिया 80 करने से क्या हुआ, कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड चेंज होगा और ये इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा. पूरा ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है. तो ये हो गया यहाँ तक, क्लियर. अब मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आएगी. 1, 2, 3 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या हुआ, 3 बार ये डेटा आ जाएगा. ये देखिए 3 बार आ रहा है, उसी के बगल बगल आ रहा है ना. और डेटा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से पेज से ये ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो मैं इसको 66 कर देता हूँ. और ये देखिए ज़रा विड्थ सबकी
सेम हो गई और हाइट क्या हो गई सेम। अब ये देखिए जरा डेटा हमारा हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं 65 65 65 और विड्थ वही रखा मैंने, चेक करते हैं। चलिए भाई तो सब कुछ तो वही हुआ, ये देखिए बन गया सारा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे यहाँ से बिगनिंग में आ जाए, यहाँ से आ जाए। तो न्यू लाइन के लिए मैंने अभी बताया था, तीन वैल्यूज़ बताई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जीरो बाइट फॉल्ट होता है, मैंने वन कर दिया। वन से देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन से देखिए क्या होगा, ये सामने स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखिए जरा ये डेटा क्या कर, ये देखिए बीच वाला डेटा यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ रह गया, सही है। एक काम करते हैं, ये चेंज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चैनल लाइक, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब मैं इतना लिखूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी बात कि सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो देखिए लाइक जो है चैनल और लाइक। अब आप देख सकते हैं इसके जस्ट बाद वाला जो डेटा है लाइक वाला वो नीचे आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डिफेक्ट पड़ेगा। अगर एक काम करते हैं, अगर मैं इसके बाद कॉमा लगा के बंद कर देता हूँ, उसका ये मतलब है कि पहला सेल बनने के बाद जो नीचे वाला दूसरा वाला जो सेल होगा वो बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि जो चैनल है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं फिर से, तो ये देखिए आपका स्टार्ट हो गया। बट अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि चैनल के बाद नीचे लाइक आ जाए वहीं से, तो ध्यान देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा टू। अब इस चीज़ को नोटिस करिएगा ज़रा क्या होगा, इससे क्या होगा, ये देख सकते हैं लाइक देखिए उसी के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चैनल तो नीचे आ गया बट लाइक जो आ रहा है उसके जस्ट नीचे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे वन कर दिया और अगर मैं इसको जा करके यहाँ पर टू कर देता हूँ तो आप अच्छे समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। और ये रहा, और यहाँ पर एक लास्ट वैल्यू थी ना ट्रू, मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब आप देखिएगा जो चैनल वाला डेटा है वो उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, और देखिएगा बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लैक कलर का बाय डिफॉल्ट। देखिए जरा तो यहाँ पर आ गया चैनल। अब आप देख सकते हैं प्रोग्रामर्स वो चैनल और ये लाइक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अलाइनमेंट दिया हुआ है और फिल दिया हुआ है। तो अलाइनमेंट तो मैंने दिया नहीं, सॉरी, तो आते हैं यहाँ पर वो ट्रू से काम नहीं बनेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो वैल्यू है चैनल वो सेंटर में आनी चाहिए सी, और ट्रू लिख दिया तो मेरा ये वैल्यू ब्लैंक वो हो जाएगी। देखिए कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए बैकग्राउंड, बट अब देखिए बैकग्राउंड चेंज होने के बाद से डेटा तो क्लियर दिख नहीं रहा है। तो खैर इसको छोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं। आपको मैं यहाँ फॉल्स लगा के दिखा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, और सी मतलब सेंटर, तो डेटा सेंटर में आएगा, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रोग्रामर्स वो यहाँ पर है, चैनल बीच में है और ये डेटा लाइक यहाँ पे है। तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉमा करके जीरो कॉमा राइट साइड में मैं ले जा सकता हूँ। अब देखिए सारी सारी सेल हमारी जनरेट हो गई। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैंने बोला था कि सारी चीज़ों को आप क्लियरली इनको जरूर पढ़िएगा, तभी आपको बातें क्लियर होंगी, ठीक है। बॉर्डर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अलाइनमेंट क्या होगा, ट्रू फॉल्स फिल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये बता दिया, नेम एरियल टाइम्स सारी चीज़ें बता दिया, डिग्री रोटेशन सारा मैंने क्लियर कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बता दिया, साइज बता दिया, सेल सबसे इंपॉर्टेंट था इनको देना। अब लास्ट बचता है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो एक काम करते हैं सभी को हम जीरो पर पहुंचा देते हैं, यानी बराबर बगल बगल लगा देते हैं, ठीक है। तो बगल बगल लगाने के लिए मैंने क्या बोला था, जीरो यहाँ पे आते हैं, जीरो लास्ट वाला जीरो है ये। अब आइए जरा यहाँ पर देखते हैं इससे क्या होने वाला है, ये देखिए सारे सारे बगल बगल डेटा लग जाएंगे, ठीक है। अब ये डेटा लग गया, ठीक है। प्रोग्रामर्स बोल लेफ्ट में है, ये सेंटर में है और ये राइट में है। अब बचा क्या, मुझे क्या करना है, एक इमेज लगानी है। कई बार ये दिमाग में आएगा कि डेटा ही प्रिंट कराएंगे, अगर मान लीजिए मुझे इमेज लगानी हो तो क्या करें। तो इमेज एक अगर इस पे ड्रॉ करनी है, या एक काम करते हैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं, तो मैं L4 की जगह पर यहाँ आते हैं इमेज पे। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए एक फंक्शन है इमेज नाम का, इसमें क्या करना होता है, एक फंक्शन है इमेज नाम का, जैसे यहाँ पर ये सारा है वैसे ही इमेज, इमेज के अंदर आर्गुमेंट्स पास करने हैं। पहले तो लोकेशन, लोकेशन कौन सी इमेज लगानी है उसका लोकेशन, फिर आता है x एंड y पोजिशन कहाँ पर लगानी है, दूसरा विड्थ और हाइट कितना बड़ा लगाना है, और उसका टाइप क्या है। टाइप भी सारे सारे ऑप्शनल हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें क्या क्या चीज़ें देना। टाइप का मतलब है यहाँ पर PNG है, JPG है, क्या है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको देना ही है, बट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो मुझे इमेज लगानी है तो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ गए वर्गो सर्वर के अंदर और
यहाँ पे जाने के बाद पीडीएफ से मैंने एक फाइल ले ली, मान लो ये है फाइल, उसका नाम है कार डॉट पीएनजी। ठीक है, अब कार डॉट पीएनजी को मैंने यहाँ पर या इसी को यूज़ कर लेता हूँ। चलिए, इस फाइल को मैंने कॉपी किया फेविकॉन डॉट आई सी ओ को, और मैं अपने प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ पर मैंने फाइल को पेस्ट कर दिया। नाम क्या है? फेविकॉन डॉट आई सी ओ, इसका छोटा सा नाम कर देता हूँ फैब डॉट आई सी ओ, फैब डॉट आई सी ओ। चलिए, इस फाइल को मुझे इस पे लगानी है, क्लियर। तो हम कैसे लगाएंगे भाई? लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या आइकन फाइल सारी हमें मिलती कि नहीं मिलती। तो ये इसी बहाने आपको ये भी पता चल जाएगा कि पी डी एफ डैश इमेज एरो ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ बोला डॉट स्लैश फैब डॉट आई सी ओ। पोजिशन मैंने दिया 100,100, विड्थ दे दिया 50,20, ये विड्थ है और दूसरा हाइट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये हमें आउटपुट दिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही पता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब फैब डॉट आई सी ओ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, जी पी जी फाइल हो सकती है, पी एन जी फाइल हो सकती है, जी आई एफ हो सकती है, लेकिन आई सी ओ फाइल सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आइए जरा यहाँ से हम फाइल उठा लेते हैं, उस फाइल का नाम है कार डॉट पी एन जी। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मेरे पास एक इमेज है उसका नाम है, तो मैं कार डॉट जा रहा हूँ यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ कोडिंग में और यहाँ पर जो इमेज लगी है यहाँ पर हटाएंगे और लिखेंगे कार डॉट पी एन जी, और इसका जो फॉन्ट टाइप है वो कैसा है, पी एन जी है, तो पी एन जी कैपिटल में ही लिखना है, जी पी जी लिखना है, इस तरीके लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। अब आप जरा देखिएगा जरा क्या होगा, एक पी डी एफ जनरेट करना चाहिए और पी डी एफ में आपको देख सकते हैं एक इमेज आ रही है, दिख रही है इमेज, ये इमेज कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। अब मुझे अगर मान लो यहाँ बगल में लाना होता तो मैं क्या करता, बगल में लाने के लिए मुझे पोजिशन एक्स और वाई चेंज करना पड़ता। तो एक्स में कितना रखूँगा 10, क्योंकि मैंने हाइट विड्थ रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जरा देखिए, हाइट विड्थ को मैं रख देता हूँ 10 और ये मैंने रख दिया यहाँ पे, और 50 रख दिया विड्थ, और ये रखा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 30। अब आप देखेंगे इससे क्या होने वाला है, बगल में आना चाहिए यहाँ पे, तो ये एक एक करके मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब क्या हुआ कि बराबर में तो आ रही है लेकिन ये 100 है, अब मुझे यहाँ तक लाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये 333 हो गया तो लगभग मुझे जाना पड़ेगा 210। ठीक है, अगर मैं 210 जाता हूँ तो क्या होगा, 210 पे ये इमेज हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्रामर्स भव चैनल लाइक कैपिटल कैसे होगा, कैसे डिज़ाइन करेंगे, सेंटर में आएगा कैसे, नीचे कैसे लाएंगे, सारी चीज़ आपको बता दी। और एक फंक्शन और भी होता है, अगर हम चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है एलन। एलन का मतलब होता है सिर्फ कैपिटल एलन रखेंगे, इसका काम है न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन देने के लिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़े तो आप न्यू लाइन भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बस ये लिखना है कहाँ पे। जैसे कि मान लो मैंने कहा चैनल के बाद डेटा कहाँ जाए, नीचे आ जाए, तो मैं लिखूँगा डॉलर पी डी एफ कोलन एलन, बस न्यू लाइन। अब इससे क्या होने वाला है, देखिएगा ज़रा ये फॉर्मेट, आप चैनल को देखिए कहाँ आता है, नीचे आता है क्या। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी बातें यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए लाइक उसके नीचे आ गया, बट मुझे चाहिए नहीं था, तो मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि एलएन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा हो गया, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। अब बचा आउटपुट में मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डाउनलोड हो जाए, तो मैं डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डी, और अगर मैं नाम नहीं देता हूँ तो बाई डिफॉल्ट डॉक डॉट पी डी एफ बनेगा, और अदरवाइज़ मैं करूँगा पी एच पी अंडरस्कोर पी डी एफ, मैंने इसका नाम रख दिया डॉट पी डी एफ, एक्सटेंशन बताना है। ठीक है, ये फाइल का नाम हो गया। अब जरा देखिए इससे क्या होने वाला है, जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूँगा ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। देख सकते हैं ये डाउनलोड का आपका ऑप्शन आया, अगर आप इसको जाके देखेंगे तो देखिए अपने आप जनरेट होती है। ये देखिए किस नाम से आ गई फाइल, आ गई php pdf.pdf नाम से। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये रही फाइल, और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो काम था वही ओपन हो चुका है। तो जब भी आपको डाउनलोड करना हो तो आप बस सीधे लिखेंगे डी एंड आगे फाइल का नाम, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं, सॉरी कुछ हाँ ये देखिए सारा मेरा डेटा आ गया प्रोग्राम्स बुक चैनल, और ये डाउनलोड होकर के देखिए पीडीएफ php pdf.pdf मैंने फाइल का नाम दिया था तो उससे आ गया। और अगर यही चीज़ मैं डाउनलोड ना करके मैं यहाँ पर लिख देता कहाँ पे इस कोड में आकर के एफ, तो क्या होता, ये ऐसे डाउनलोड ना होती, डॉक्यूमेंट में ना जाती, ये फाइल कहाँ जाती देखिए ज़रा। इसको मैं अगर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ज़रा देखिए, अगर ये फाइल डाउनलोड अभी भी होगी बट कुछ दिखेगा नहीं,
और ये फाइल कहाँ गई, हमारे प्रोजेक्ट में गई। चलिए देखिए ध्यान से ये क्या हुआ, ये देखिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही सेव हो गई php.pdf नाम से। अगर इसमें ओपन करूँगा तो आपको डेटा कुछ यही मिलेगा जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का पार्ट। अब बचा क्या, अब बचा ये कि डेटाबेस से कैसे लाएँ इसको, ठीक है। तो डेटाबेस के लाने के लिए, डेटाबेस से अगर मुझे लाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। और अगर बाई डिफॉल्ट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आई होता है, तो मैं यहाँ पर आई ही लगा देता हूँ, ठीक है। और मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, क्लियर। अब आप देखिएगा ज़रा पेज को, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेटा यहीं पे हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए डेटा हमारा शो हो रहा है, प्रोग्राम्स बोर्ड चैनल लाइव, इस तरीके से पूरा डेटा शो हो रहा है इमेज के साथ। अब मुझे अगर डेटाबेस से अगर इसी चीज़ को लाना हो तो कैसे लाएं, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस से लाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को मैं एक और बना लेता हूँ, और मैंने इसको बोला, सॉरी इसको नहीं, ये फाइल है गेट पीडीएफ, और मैंने बोला गेट डीबी पीडीएफ, यानी डेटाबेस से पीडीएफ लाने के लिए। अगर डेटाबेस के डेटा को मुझे पीडीएफ में जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग सीधे, इसमें जाते हैं, क्या करता हूँ इसको सबको हटा देता हूँ, पेज तो मुझे ऐड करने ही पड़ेंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रहने देता हूँ। अब ये ज़रा यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कनेक्शन क्रिएट किया, कौन इज इक्वल टू माई सिक्वल आई डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर आने के बाद मैंने बोला लोकल होस्ट, ठीक है, रूट एंड वर्ड्रिगो, ठीक है। अगर कुछ चेंज होता है तो आपको यहाँ पर क्या बताएगा, और डाई माई सिक्वल आई अंडरस्कोर एरर को यहाँ पर शो करा दो डॉलर कॉन के साथ। अब क्या करना है, मुझे इस जगह पर जाते हैं थोड़ा सा, ये रहा हमारा डेटाबेस, ये रहा, और यहाँ जाते हैं, आपको पहले डेटाबेस में दिखा देता हूँ, लोकल होस्ट के अंदर phpMyAdmin, और हम यहाँ पर जाते हैं, सॉरी लोकल होस्ट ओपन कर देते हैं, हो गया। लोकल होस्ट जाने के बाद मैं यहाँ पे phpMyAdmin पे जाता हूँ। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था जो टेबल हमने बनाई है वो कौन सी है, उस टेबल का नाम है phppdf, और phppdf के अंदर तीन, एक डिसेस नाम की एक टेबल है जिसके अंदर तीन फील्ड है, और मुझे क्या करना है, इनके सारे डेटा को रिकॉर्ड को लाना है, भाई इतना काम करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो ये सारे डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब कैसे होगा, तो सीरियल नंबर, डिस और प्राइस, ये मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, और डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है phppdf। तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस बनाया, db इज इक्वल टू माई सिक्वल आई अंडरस्कोर पहले, और फिर यहाँ लिखेंगे डॉलर db, और यहाँ पर सेव कर देंगे। डेटाबेस का नाम है php_pdf, आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्वेरी बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्ट rs इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी पास किया, और मैंने यहाँ पास किया डॉलर कॉन कॉमा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिसेस, ठीक है, डिसेस, एंड यहाँ से क्या होगा, डेटा हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अभी क्वेरी फायर होने के बाद जो डेटा आएगा वो मुझे व्हाइल लूप में मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर डेटा इज इक्वल टू MySQL आई एच अंडरस्कोर एजॉक, फंक्शन पास किया डॉलर RS से रिकॉर्ड निकाला, कर्ली ब्रेस लगाया, और मैं ये चाहता हूँ कि जो जो डेटा है इसमें वो डिस्प्ले होता चला जाए, ठीक है। तो मेरे पास तो इमेज है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये मैं कर्ली ब्रेस के अंदर डाल देता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड कितने हैं, तीन, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उतने ही सेल हमने बनाए, ठीक है। अब जो डेटा पहला आ रहा है वो सीरियल नंबर है, तो मैं लिखूँगा डॉलर डेटा, डेटा ऑफ सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर ये हो गया, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, डिसेस हो गया, डिस हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये पहला डेटा हो गया, यहाँ पर चाहिए था। दूसरा क्या होगा, मुझे चैनल की जगह पर ये चाहिए था, तो मैंने ये बोला कि डिस चाहिए, डिस, एंड देन लास्ट है क्या, प्राइस, ठीक है, और मैंने यहाँ बोल दिया।
डेटा को मैं सबको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डेटा को सेंटर में ला देता हूँ। इससे डेटा कहाँ आ जाए, सेंटर में आ जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। मैंने सब आपको बता दिया है, पहले ही समझा दिया। आई जरा इस पर, और सबके सीरियल वाइज सीरियल आएंगे, ठीक है, जितने रिकॉर्ड होंगे सारे। अब इनकी जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ को थोड़ा कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, 40, एंड देन लास्ट में। और इसको डेटा को मुझे दिखाना है, इसलिए यहाँ पर फाइल का नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करना हो तो मैं डाउनलोड कर लेता, बाय डिफॉल्ट आई होता है, ठीक है। लास्ट में देखिए सारा काम हो चुका है, अब ट्राई करते हैं क्या हमारा काम होता है, चेक कर लेते हैं। और ये रहा आपका डायनामिक कंटेंट, आई थिंक सब कुछ अगर सही रहा, ठीक है। तो ओके, अच्छा फाइल का नाम गलत है, तो फाइल का नाम रखेंगे गेट डीबी, ये हमारा फाइल था ना। चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर गए तो यहाँ पर ये फाइल थी गेट डीबी डॉट पीडीएफ। तो आप देख सकते हैं ये रहा डेटा पूरा हमारा जनरेट हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है कि सीरियल नंबर के बाद नीचे आना चाहिए, 1, 2, 3, पहला रिकॉर्ड आ गया, दूसरा रिकॉर्ड नीचे आना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि न्यू लाइन मिल जाए, तो न्यू लाइन के मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था डॉलर पीडीएफ डैश एलएन। एलएन का फ़ायदा क्या होगा, ये हमें उसके जस्ट बाद नीचे न्यू लाइन दे देगा। अब आप देखिए ज़रा, आई थिंक आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, सारा रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर साइज़ का थोड़ा मैटर हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और कैसे हैंडल करेंगे, या तो हम उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग कर लें। तो मैं काम करता हूँ, डिस्क को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे डिस्क का नाम जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, और सारी चीज़ें तो सेम होंगी, साइज होगी। थोड़ा सा देखिए ज़रा इस तरीके से, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे डेटा कहाँ रहें, लेफ्ट में रहें, ये सब सेंटर में बजाय लेफ्ट में रहें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिसेस का नाम मैं चाहता हूँ लेफ्ट में रहे, तो लेफ्ट कर दीजिए, सारा सारा लेफ्ट में आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से डेटाबेस से सारी चीज़ें जनरेट होके आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये रहा आपका डिसेस नाम की फील्ड, जिसमें आपके 5 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। ब्राउज करते हैं, ये देखिए पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट शेक, मिल्क शेक एंड बफल्स। तो इसमें देखिए सारे रिकॉर्ड्स हमारे 5 रिकॉर्ड थे। अगर मैं इसमें एक इंसर्ट और कर देता हूँ, कुछ भी हम कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो ये मैंने रख दिया, और मैंने इसका प्राइस दे दिया 189 या 289, ये कर देते हैं। मैंने जब इसको किया तो ज़रा देखिए ज़रा यहाँ पर क्या हुआ, ब्राउज करने पर हमारा रिकॉर्ड ये सेव हुआ। और जब मैं इस पीडीएफ में जाकर जनरेट करता हूँ, तो यहाँ लास्ट में एक रिकॉर्ड और ऐड हो जाएगा, जिसका नाम है वेफल, ठीक है। चलिए, तो वेफल के बाद केक भी हमारे पास अंडर आ गया। तो ये था हमारे पास पीडीएफ जनरेट करने का ऑप्शन। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर डी जनरेट कराना है और नाम देना है फाइल का नाम, तो जैसे ही ये जनरेट होगा सीधे आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो ये था पूरा पीडीएफ जनरेट करने का तो कोड। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आई होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट में जरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इनको ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।